साइंस विद दर्पण। आज हम आए हैं एक बड़े ही सिंपल छोटे एक्सपेरिमेंट के साथ। आज हम करने वाले एक्सपेरिमेंट अबाउट द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड रिफ्रैक्शन की क्या होता है वो समझेंगे। क्या चाहिए हमें एक्सपेरिमेंट में? वाटर चाहिए, लेमन चाहिए और सॉल्ट चाहिए। ठीक है, तो सिंपल है, कुछ नहीं करना है। लेमन लेना है, पानी में छोड़ देना है। अब जैसे कि हम देख सकते हैं कि लेमन जो है नीचे सिंक हो गया है। क्यों सिंक हो गया है? क्योंकि इसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है, इसलिए वो सिंक हो गया है। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम। व्हाट इज डेंसिटी? मास पर यूनिट वॉल्यूम। लेमन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा थी, इसलिए वो नीचे चले गया। दूसरी चीज, हमें लेमन काफी बड़ा दिख रहा है, लेकिन वो तो छोटा सा था, तो क्यों दिख रहा है? रिफ्रैक्शन की वजह से। अंदर का जो मीडियम है पानी, वो कैसा मीडियम है? डेंसर मीडियम है। ये जो मीडियम है एयर का, वो कैसा मीडियम है? रेरर मीडियम है। तो जब डेंसर मीडियम से रेरर मीडियम में कोई चीज जाती है तो कैसे दिखती है? बड़ी दिखती है। इसलिए लेमन बड़ा दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट की वजह से। दूसरा, अब ये लेमन नीचे है, हम इसे निकाल लेते हैं। अब अगर मुझे वाटर की डेंसिटी बढ़ानी है तो मैं इसमें कोई भी इम्प्यूरिटी वगैरह कुछ भी ऐड कर सकते हो, जिससे क्या होगा कि वाटर जो है उसकी डेंसिटी इंक्रीज होगी। मैं फिलहाल क्या करता हूं, मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देता हूं। सॉल्ट ऐड करने से क्या होगा? डेंसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम देख सकते हैं कि लेमन जो है वो एकदम नीचे नहीं है, वो ऊपर आ गया है थोड़ा। ठीक है, अगर मैं इसे थोड़ा और देखते हैं सॉल्ट मिला के, क्योंकि अभी भी डेंसिटी तो इंक्रीज हुई है लेकिन ज्यादा इंक्रीज नहीं हो पाई है। अगर मैं फ्लोट करना चाहता हूं तो मुझे और उसे को क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा सॉल्ट। थोड़ा और ऐड कर दिया सॉल्ट। अब देखते हैं, देख सकते हो ये जो लेमन है ये फ्लोट हो रहा है। मैं अगर इसे नीचे भी पुश कर रहा हूं तो ये फिर से ऊपर आ रहा है। इससे क्या मालूम पड़ता है कि डेंसिटी अब वाटर की जो है वो ज्यादा हो गई है लेमन की। तो सिंस द डेंसिटी ऑफ लेमन इज लेस देन दैट ऑफ द वाटर, दैट इज व्हाई लेमन जो है वो अब क्या कर रहा है? फ्लोट हो रहा है। तो हमें याद रखना है हमेशा कि जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम है वो फ्लोट होगा, और जिसकी डेंसिटी वाटर से ज्यादा है वो सिंक हो जाएगा। ये हर लिक्विड पे अप्लाई होता है। जिस लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा होगी वो दूसरे लिक्विड से कंपेयर करना है हमें, तो जिसकी कम होगी वो फ्लोट करेगा। जैसे मैं इस पे ऑयल डालूंगा, ऑयल क्या होता है? ऊपर फ्लोट होता है, क्योंकि उसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होती है। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट अ स्मॉल एक्सपेरिमेंट। आई होप तुम्हें समझ गया होगा। लेमन वेस्ट नहीं करना, इसको हम थोड़ा जूस वूस बना के पी सकते हैं। ओके, चलो बाय बाय।